21 नवंबर की शाम को जी टीवी पर नए शो एक कुड़ी पंजाब दी ने दस्तक दे दी है। तनिषा मेहता और अविनाश रेखी स्टारर इस शो को लेकर लंबे वक्त से काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आखिर कैसी है इस शो की कहानी, क्यों कुछ इस शो में ऐसा है जो इसे बाकी शो से अलग बनाता है, ये सब अब शो के पहले एपिसोड ऑन एयर होने के साथ ही सामने आ चुका है। ऐसे में अगर आपने मिस कर दिया है शो का पहला एपिसोड तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्रेजी फॉर टीवी आपके लिए शो का ऑनेस्ट रिव्यू लाया है। इस शो में क्या कुछ है खास और क्या नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कहानी की। तो देखिए, इस शो की कहानी गढ़ी गई है दो परिवारों के बीच में, जिनके बीच में जमीन को लेकर कोर्ट कचहरी तक मामला चल रहा है। एक तरफ है विर्क परिवार, जिनकी माँ समान जमीन और हवेली पर नजर है अटवाल परिवार की, जिनकी मुखिया राजविंदर कौर सिंह विर्क परिवार के मुखिया बेअंत सिंह की जमीन को एक फैक्ट्री बनाने के लिए हथियाने की कोशिश कर रही है। राजविंदर सिंह कौर बेहद क्रूर है और जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ बेअंत सिंह की लाडली बेटी हीर वकालत कर रही है और अपने परिवार के इस कानूनी पचड़े से पूरी तरह से दूर है। तो वही शो में अविनाश रेखी हैं हीर के सबसे करीबी दोस्त रंजीत के किरदार में, जिन्हें हीर प्यार से जीता कहती है, जो हीर की परछाई की तरह है और उसके और उसके परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अब कैसे हीर अपनी पुश्तैनी जमीन को अटवाल परिवार से बचाएगी और कैसे अटवाल परिवार हीर और उसके परिवार के लिए आगे मुश्किलें खड़ी करेगा जमीन को हथियाने के लिए, यही कहानी इस शो में आपको देखने को मिलेगी। लीड हीरोइन पर भारी पड़ी अवनीश की दमदार अदाकारी। देखिए, शो में हीर के रोल में नजर आई हैं एक्ट्रेस तनिषा मेहता। उनके किरदार में चुलबुलापन है, अपने परिवार को लेकर प्रभाव और प्यार साफ साफ झलकता है, लेकिन फिर भी शो की शुरुआत में आप तनिषा के किरदार से इतना इम्प्रेस नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अविनाश रेखी का किरदार जीता ने तो दिल ही जीत लिया। उनके सरदार लुक को जब प्रोमो में देखा गया था तो लोगों को लगा था कि शायद उनका रोल छोटी सरदारनी के किरदार जैसा ही सिमिलर होगा, लेकिन इस नए शो में अपनी पहली ही झलक से अविनाश ने तो हीरोइन को भी पीछे छोड़ दिया है। उनकी एक्टिंग बेहद रियल लगती है, उनके बोलने का अंदाज, बोली में मिठास और फुल पंजाबी जट का रूप उनमें देखने को मिलता है, जो उनके किरदार की सबसे बड़ी यूएसपी है। दोस्त के लिए प्यार और मुसीबत में शेर जैसी दहाड़, बस अविनाश के लिए एक ही शब्द निकलता है, बेहतरीन। आपको उनके किरदार में गदर के तारा सिंह जैसी मासूमियत भी दिखेगी। तो वही सनी पाजी का अग्रेसिव लुक भी साफ साफ दिखेगा। वही बात करें शो में हीर के पिता के किरदार में नजर आए सुनील पुष्करणा की, तो उन्होंने अपने किरदार को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है, उनका लुक भी बेहद जानदार लगता है। वहीं शो में राजविंदर कौर के रूप में नेगेटिव रोल में नजर आई मालिका आर घई अपने किरदार में डूबी नजर आई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनका ये नेगेटिव रोल आने वाले दिनों में काफी फेमस हो सकता है। पंजाब के लिए लोकेशन और भाषा पर अच्छा काम, शो की कहानी पंजाबी बैकड्रॉप पर बेस्ड है, पंजाब में गढ़ी गई है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पंजाबी का रूप रंग वैसा स्टाइल लेकर बस ऊपरी तौर पर किरदारों को दिखा दिया गया हो। शो की शूटिंग पंजाब के रियल लोकेशंस पर की गई है, जो पहले एपिसोड से ही साफ है और शो को काफी जानदार बनाती है। खेत के सीन हो, गुरुद्वारे के सीन हो, पंजाब की छोटी छोटी गलियां हो, शो में ये सभी छोटी छोटी चीजें जान डालती है। इसी के साथ किरदारों के लुक पर अच्छा काम किया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि शो में पंजाबी भाषा का अच्छा और काफी बारीकी से इस्तेमाल किया गया है। आपको शो में डायलॉग्स में हिंदी तो भरपूर दिखेगी ही, लेकिन डायलॉग्स में असली पंजाबी का रंग भी नजर आएगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप एक रियल पंजाब की कहानी को स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्यों देखें शो? देखिए, अगर आप सास बहू के ड्रामे से कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, जिसमें लड़ाई है, तकरार है और एक अलग प्यार कहानी भी है जो दो दोस्तों के बीच है। वहीं दूसरी तरफ जनता का भी शो को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो शो को लेकर अभी इतना ज्यादा बस तो जनता में नहीं देखा जा रहा, लेकिन कहानी असर कर गई तो आने वाले दिनों में ये शो बाकी के हिट शो को अच्छी टक्कर दे सकता है।